Hello students, today we are going to discuss NCERT math class 10th topic pairs of linear equation variable exercise 3.4. linear equations ko solve karne ke humne aapko char method bataye the, graphical method, substitution method, elimination method and cross multiplication method. Pehle do method hum pichle lectures ke andar cover kar chuke hain, graphical method bhi humne cover kar liya और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने कवर कर लिया. तो अब हम कवर करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. तो तीसरा जो मेथड है आज हम इसको सीखेंगे भी, और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है उसके सभी पार्ट्स आज हम करेंगे. तो देखिए इसका जो फर्स्ट सम है, हमारे पास इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो ये दोनों इक्वेशंस हैं. एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, हमने जो कोफिशेंट्स है इक्वल करने होते हैं. या तो हम x के कोफिशेंट्स को इक्वल कर लें या y के कोफिशेंट्स को इक्वल कर लें. अगर यहाँ x के साथ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, या y के साथ अगर 3 है तो यहाँ y के साथ 3 होना चाहिए. तो कोशिश करें x वाली टर्म को ही हम इक्वल करें, y भले भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर x वाली टर्म्स को इक्वल करके इस एलिमिनेशन मेथड को करूँगा. यहाँ पर देखिए x का कोफिशेंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशेंट 2 है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 बनाऊँगा. तो इसको 2 कैसे बनाया जाए, जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, उसमें से ये इसको माइनस कर दे. पहले 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 टू जा 10. सेकेंड इक्वेशन को हमने इसमें से माइनस करना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, कट गए 2 माइनस 2, ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस, 5y 3y और 2y प्लस. ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस हो गया, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 5 नीचे चला गया, 5 ओवर 6. एक वैल्यू हमारे पास आ गई. सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले ये मेथड आसान है. तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लो, चाहे 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो. मैं यहाँ 1 में पुट कर रहा हूँ. तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 5 इज 6/5 को इधर ले जाएंगे. तो आप देखें एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 19/5. तो x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5. तो ये आपका फर्स्ट सम का आंसर है. दूसरा सम देखते हैं. तो दूसरे सम की जो स्टेटमेंट है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. जैसा मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, x के कोफिशेंट को या y के कोफिशेंट को इक्वल करना है. सबसे पहला काम ये है. तो यहाँ पर मैंने पिछले सम में भी x के कोफिशेंट को इक्वल किया था, यहाँ पर भी x के कोफिशेंट को इक्वल करूँगा. तो यहाँ x के साथ क्या है, 3, यहाँ कितना है, 2. तो किससे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए भी दोनों इक्वल आ जाएं. वैसे सीधी समझने वाली बात है, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप इनका एलसीएम ले लो. 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6. तो आप लोगों को 6 बनाना है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6. तो 6 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ और इक्वेशन 2 को 3 के साथ. तो लिखेंगे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट.
और उनमें उसको हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 प्लस 8y इज इक्वल टू 10 × 2 = 20। इसको सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 6 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 6। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा मैंने बताया, 6 से 6 कट गया, ये भी प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 = 14 6 और 20 में से 6 गए 14, तो y इज इक्वल टू 14/14 दैट इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ y की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसे हमारा दूसरा पार्ट इसका पूरा हुआ। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट की जो इक्वेशंस हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले हम इस 4 को 0 की साइड ले जाएंगे, तो इधर आकर प्लस बन जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। ये 2y को हम इधर ले आए इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, करना क्या है, x के कोफिशेंट को या y के कोफिशेंट को इक्वल करना है। तो मैं यहाँ x के साथ ही ये सम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 बना सकते हैं। देखिए इनका एलसीएम भी 9 आएगा, तो मल्टीप्लाई 1 को कितने से कर दें, 3। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, इसमें से जो आएगा उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करें, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो ये है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे 0 माइनस के 15 प्लस के 2y तो माइनस के 13y, 12 में से 7 गए 5, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। वही सेम प्रोसीजर, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 1, 1 में पुट करेंगे, 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर 1 में पुट कर रहा हूं। 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, 3x 4 के इस साइड ले जाएंगे -25/13, एलसीएम ले लेंगे, 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25/13 27/13। तो यहाँ देखते हैं एक्स, 3x किसके इक्वल आ गया, 27/13। तो 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, उधर जा कर के डिवाइड में चला जाएगा, 3 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की हम पहले निकाल चुके हैं -5/13। तो ये आपके पास दोनों वैल्यू x और y की आ चुकी हैं। आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड का। यहाँ फ्रैक्शन में है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं फ्रैक्शन को दूर करूँगा, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेंगे 2 × 3 = 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y-1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 1 इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
3x minus y is equal to 9. This is the second equation. हमने simplify कर ली. तो यहाँ देखिए, हमने कोफिशेंट बराबर करना होता तो यहाँ x के कोफिशेंट पहले से ही बराबर हैं. तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन. तो इक्वेशन टू फ्रॉम वन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस सिक्स, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस प्लस माइनस, ये 3x से 3x कट गया, 4x और 4y और 1y 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस 15. तो y इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 5, कट कर देंगे 5 3 जा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3. y निकाल ली, x निकालने के लिए पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, 1 में पुट कर देंगे इसको. तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6. तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 12 6 आ गया. तो x की वैल्यू 3 नीचे चला जाएगा, 2 आ गया. तो कितनी आ गई x की वैल्यू, 2. और यहाँ देखिए, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू माइनस 3 आ गई. तो ये आपके जो थर्ड क्वेश्चन था उसके चारों पार्ट्स मैंने कर दिए हैं. उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होगा. अगले जो हमारे सम होंगे वो स्टेटमेंट वाले होंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे.